वेलकम क्लास टू द वीडियो एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर चैप्टर 3। और लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर के इन चार पार्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। तो कौन कौन से पार्ट्स थे हमारे? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। ओके, और इन पार्ट्स के अलावा और भी कई सारे पार्ट्स यूज होते हैं हमारे कंप्यूटर में जो हमारे अलग अलग काम करते हैं। आइए आज हम उन डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे यूजफुल होते हैं कंप्यूटर में। अदर यूजफुल पार्ट्स। बिसाइड द फोर मेन पार्ट्स देर आर मैनी अदर हेल्पिंग पार्ट्स विच आर अटैच्ड टू ए कंप्यूटर। तो इनके अलावा, इन चार पार्ट्स के अलावा कौन कौन से? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस के अलावा भी और भी कई सारे पार्ट होते हैं कंप्यूटर में जो अटैच होते हैं। नंबर वन क्या होता है? प्रिंटर। ए प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट आवर वर्क ऑन पेपर। प्रिंटर क्या होता है? ये जो आप देख रहे हो इमेजेस में, ये हमारे प्रिंटर हैं। ये अलग अलग तरह के प्रिंटर हैं। इसको बोलते हैं हम डॉट मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम इंकजेट, इसको बोलते हैं हम लेजर प्रिंटर। ओके, प्रिंटर क्या काम करता है? हमारा जो भी वर्क होता है स्क्रीन पर, जैसे हम कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, हम उसको पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर के द्वारा। ओके, द प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। और जो कॉपी हम प्रिंट करते हैं प्रिंटर से, उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। अब देखो, कॉपी दो तरह की होती है। एक कॉपी होती है सॉफ्ट कॉपी और एक कॉपी होती है हार्ड कॉपी। जो कॉपी आप स्क्रीन पर देखते हो अपनी ड्राइंग की, उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और जो कॉपी हमारी प्रिंटर से निकल के आती है, उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। इस हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये आगे काम आने वाली है। अच्छा, फिर से समझते हैं। जो कॉपी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर होती है, जो हम बनाते हैं, उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और जो कॉपी हमारी प्रिंटर से निकल के आती है, उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। द कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर। ओके, तो ये कॉमनली यूज होते हैं प्रिंटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये यूपीएस की फुल फॉर्म है। और यूपीएस का काम क्या होता है? देखो, यूपीएस में होती है एक बैटरी अंदर लगी हुई। यूपीएस हम डेस्कटॉप में यूज करते हैं, जो हमारा सीपीयू होता है उसमें। हम लैपटॉप में यूपीएस यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लैपटॉप में ऑलरेडी बैटरी होती है। और हमारे यूपीएस के अंदर बैटरी होती है, ये काम क्या करता है? सपोज करो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और बाई चांस लाइट चली जाए, तो क्या होगा? हमारा कंप्यूटर एक साथ बंद हो जाएगा। इससे हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हाई वोल्टेज लाइट भी आ जाती है, तो इससे हमारे कंप्यूटर में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारा कंप्यूटर कभी अचानक बंद नहीं होता है, और ये मिनिमम 4-5 मिनट तक कंप्यूटर को चलाता है। इतने टाइम में हम कोई भी कंप्यूटर पर काम कर रहे होंगे, उसको सेव कर देंगे, और उसके बाद हम कंप्यूटर को आराम से शट डाउन कर सकते हैं। और लाइट जाने के बाद ये बीपिंग की साउंड भी करता है। यूपीएस कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। तो ये कंप्यूटर को ऑन रखता है थोड़े टाइम के लिए लाइट जाने के बाद। इट आल्सो सेव्स द कंप्यूटर इन केस ऑफ हाई वोल्टेज और पावर प्रॉब्लम। और ये हमारे कंप्यूटर को हाई वोल्टेज और पावर प्रॉब्लम से बचाता है। नेक्स्ट है स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। आपने यूज भी किए होंगे हेडफोन्स एंड स्पीकर्स, तो इनके बारे में पढ़ते हैं आज। वी यूज स्पीकर्स एंड हेडफोन्स टू लिसन डिफरेंट साउंड एंड म्यूजिक ऑन ए कंप्यूटर। हम स्पीकर और हेडफोन्स का यूज कंप्यूटर में कई अलग अलग म्यूजिक और साउंड सुनने के लिए करते हैं। दे आर कनेक्टेड ऑन द CPU बॉक्स, और ये हम CPU बॉक्स पर कनेक्ट कर सकते हैं। साउंड्स फ्रॉम द स्पीकर कैन बी हियर्ड बाई एवरीवन। जो हमारे स्पीकर होते हैं ये वाले, इसकी साउंड सब लोग सुन सकते हैं। साउंड फ्रॉम द हेडफोन्स कैन बी हियर्ड ओनली बाई द पर्सन वियरिंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। और ये हेडफोन जो होता है, इसकी साउंड केवल वही इंसान सुन सकता है जिसने ये लगाया हुआ होगा। तो हेडफोन से हम म्यूजिक का इन्जॉय ले सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए। ओके, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक इन्फोबिट दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं। ए हेडसेट इज़ ए डिवाइस दैट हैज़ बोथ ए माइक्रोफोन एंड ए हेडफोन। ये हेडसेट जो होता है, ये एक ऐसी डिवाइस होता है कि जिससे हम अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें एक माइक्रोफोन लगी होती है छोटी सी, और हम इससे म्यूजिक भी सुन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? इससे हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो इस पिक्चर में, ये एक माइक्रोफोन है, तो यहाँ से आप इसमें वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये हमारी कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाती है। ए माइक्रोफोन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइसेस एंड डिफरेंट साउंड्स। ये जो माइक्रोफोन होता है, हमारा कई सारी वॉइसेस को और साउंड्स को रिकॉर्ड करने के काम आता है।
नेक्स्ट है हमारा सीडी एंड डीवीडी ड्राइव। आवर वर्क कैन बी स्टोर्ड ऑन सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो जो हमारा वर्क होता है उसको हम सीडी या डीवीडी में स्टोर कर सकते हो, मतलब रख सकते हो। ये हमारी एक मेमोरी की तरह काम करता है। ए सीडी और डीवीडी ड्राइव हेल्प्स अस टू रीड डाटा फ्रॉम द डिस्क। और ये हमारा सीडी और डीवीडी ड्राइव जो होता है, जो आप फोटो में देख रहे हो, ये हमारे सीडी से या डीवीडी से डाटा को रीड करने का काम आता है। ए सीडी और डीवीडी राइटर हेल्प्स टू राइट डाटा ऑन ए सीडी और डीवीडी। और जो सीडी और डीवीडी राइटर होता है वो हमारे वर्क को सीडी पर राइट करने का काम आता है। ये जो सीडी और डीवीडी ड्राइवर होता है ये हमारे कंप्यूटर में पहले से ही लगी आती है, लेकिन कभी कभी नहीं लगी होती तो हम इसको बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें सीडी या डीवीडी लगती है जो हमारी राउंड शेप की होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। तो इस सीडी में हम अपना वर्क स्टोर कर सकते हैं और बाद में इसको हम निकाल भी सकते हैं। तो आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह की भी सीडी जाती हैं जो हम अपने कंप्यूटर में लगा के देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इन्फोबिट दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। सीडी डीवीडी एंड पेन ड्राइव आर कॉल्ड पोर्टेबल डिवाइसेस बिकॉज दे कैन कैरी देम अराउंड। तो ये सीडी डीवीडी और पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव हमने अभी पढ़ानी है, पढ़ेंगे, इनको हम पोर्टेबल डिवाइस बोलते हैं। पोर्टेबल मतलब कहीं भी ले जाने लायक। अपना वर्क इसमें स्टोर करके आप कहीं भी ले जा सकते हो। जैसे सपोज करो आपने अपने कंप्यूटर पे एक ड्राइंग बनाई, उसको आप अपनी पेन ड्राइव में डालोगे और अपने फ्रेंड के पास लेके जाके उसके कंप्यूटर में लगा के उसको दिखा सकते हो कि मैंने ऐसी ड्राइंग बनाई है। ओके, तो इसलिए हम इसको पोर्टेबल डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पेन ड्राइव। देखो पेन ड्राइव ये होती है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। पेन ड्राइव आल्सो कॉल्ड यूएसबी फ्लैश ड्राइव। हम पेन ड्राइव को यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, ये लर्न कर लेना। इट इज़ ए वेरी स्मॉल डिवाइस डैट कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर टू स्टोर और रीड डाटा। ये बहुत ज़्यादा छोटी डिवाइस होती है जो हमारे कंप्यूटर में लग सकती है और इसमें हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं या हम उसका डाटा को रीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। ए स्कैनर हेल्प्स अस टू टेक इमेज इनपुट। ये स्कैनर हमारे किसी भी फोटो को कॉपी कर सकता है कंप्यूटर में। इट इज़ लाइक ए फोटो कॉपी मशीन। ये एक फ़ोटो कॉपी मशीन होती है क्योंकि ये फ़ोटो को कॉपी करता है। वी कैन स्टोर एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बाई स्टोरिंग इट्स इमेज एज ए फाइल इन द कंप्यूटर। तो हम स्कैनर के द्वारा अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं फ़ोटोज़ के द्वारा। होता क्या है कि हम इसमें अपना कोई भी फ़ोटो रख सकते हैं यहाँ पर, और ये स्कैनर हमारे फ़ोटो को स्कैन करता है और वो फिर उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा सकता है, फिर हम कंप्यूटर में उसको सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये काम होता है हमारे स्कैनर का। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क एक मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। जैसा कि आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड होती है और वो सारे डाटा को आपके को स्टोर करती है, इसी तरह से कंप्यूटर के डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता है। हार्ड डिस्क रिसाइड्स इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट। हार्ड डिस्क सीपीयू कैबिनेट में लगी होती है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड आवर वर्क। ये हमारे प्रोग्राम्स को और वर्क को स्टोर करने का काम करती है। वी सेव आवर वर्क एज ए फाइल ऑन द हार्ड डिस्क। हम अपने वर्क को फाइल की तरह हार्ड डिस्क पर सेव कर सकते हैं। इट सेव्स आवर वर्क परमानेंटली। और ये हमारे वर्क को परमानेंटली सेव करता है। परमानेंटली मतलब वो डाटा कभी भी डिलीट नहीं होगा, हज़ार 10,000 साल बाद भी वो ऐसा के ऐसे ही रहेगा, तब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे। ओके, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी भी बोली जाती है। ओके, तो हमारा थर्ड चैप्टर फिनिश हो चुका है। हम अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और आप इस वीडियो को बार बार देखो जिससे कि आप इस लेसन को अच्छे से समझ पाओ और आपको एक्सरसाइज लर्न करने में आसानी हो। ओके, थैंक यू गाइज़।